हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास CUET बेस्ट 2024 का मैथ्स का सैम्पल पेपर। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले 4 क्लासेस हम CUET 24 से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और IMP प्रॉब्लम्स पर ले चुके हैं। इस लाइव सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सैम्पल पेपर। ओके, ये जो पेपर आपका है ये टोटली फोकस्ड है, फुल्ली आपका जो पेपर होता है CUET का फाइनल पेपर उस पर फोकस्ड है। इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिलने वाला है। सबसे पहले पैटर्न की बात कर लेते हैं भाई साहब। तो जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम का कैसा होता है आइए देख लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए पैटर्न की बात है। आपको टोटल 45 मिनट्स दिए जाएंगे और 45 मिनट्स में आपको टोटल करने हैं कितने, 40 क्वेश्चन। ओके, 45 मिनट्स में आपको करने हैं 40 क्वेश्चन और उन 40 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन जो रहेंगे कंपलसरी रहेंगे। आपको कह रहेंगे 15 क्वेश्चन कैसे रहेंगे, कंपलसरी रहेंगे, ठीक है। तो और हर क्वेश्चन का आपका कितना मार्क्स रहेगा, 5 मार्क्स। सो 40 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज़ इक्वल टू आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर यहाँ पे होगा। ओके, 15 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने रहेंगे जो कि पार्ट ए के रहेंगे। पार्ट ए के 15 क्वेश्चन पे आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। ये देखिए पार्ट ए के 15 क्वेश्चन, जिसको आप कोर मैथ बोलते हैं, पार्ट ए बोलते हैं। सेकेंड पार्ट अप्लाइड मैथ होता है, बट मैं आपको अप्लाइड मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कोर मैथ ही पढ़ाता हूँ। तो जिन लोगों ने अप्लाइड मैथ नहीं लिए उनका सेकेंड पार्ट भी जनरल मैथमेटिक्स का होता है। तो उसमें आपको 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 में आउट ऑफ 35 आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं 25। इस तरीके से 25 पार्ट बी के और 15 पार्ट ए के टोटल आपके पास आ गए 40 क्वेश्चन। ओके, और 40 हर क्वेश्चन क्योंकि 5 मार्क्स का होता है तो 200 का ये पेपर हो गया। रही बात सेफ स्कोर की, तो 180 से लेके अगर 185 आप स्कोर करते हैं तो आपके 100% कहीं नहीं गए हैं इस मैथ्स के पेपर में। ओके, मेन फंडा क्या है CUET के एग्ज़ाम को निकालने का, स्पीड। बस इसमें आपकी स्पीड मांगी जाती है। क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी है, CBSE लेवल के क्वेश्चन हैं, प्योर। ओके, CBSE लेवल के क्वेश्चन हैं और आपको स्पीड मेंटेन करना है। देर ना करते हुए आइए लेक्चर की शुरुआत करते। देखिए सबसे पहला है, इफ़ एन ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5, और तो बताना है आपको एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। देखिए मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि अगर कई बार एडजॉइंट लगा हो तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन की पावर आर। तो फिलहाल यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए की पावर देखिए है ना, कितनी ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है, तो 3 माइनस वन की पावर आर लग जाएगा। पावर आर मतलब कितने बार ये मौजूद है, 1, 2, 3 कहाँ गया क्वेश्चन, तो ये 2 बार। ओके, तो देखिए डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 की पावर 2, ओके, मतलब डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 हो जाएगा और ए आपके पास कितना दिया है 5, और 5 की पावर 4 कितना बन गया 625। तो करेक्ट आंसर इसका 625। नोट कर लीजिए, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्पेशली, ये जो ट्रिक है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट अप टू ए क्या होती है, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन की होल पावर आर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, भाई बहुत ही सिंपल है। इसमें कह रहा है कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन का करंट सीक्वेंस पहचानना है, तो सबसे पहले आपको ए और बी पहचानना पड़ता है। तो ये मिल गया क्या, नंबर वन, तो बी नंबर वन पे आएगा, है ना। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है ना। बी नंबर वन पे आने के बाद आप क्या करते हैं, बी नंबर वन पे आने के बाद आप एडजॉइंट ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कौन से नंबर पे है, ए पे है, तो बी के बाद ए फोर्थ पे है। तो यहीं पर आंसर चेक हो गया हमारा कि करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बाकी आप कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। अब जो इजी क्वेश्चन उनमें मैं क्या ध्यान दूँ, आप लोग खुद कर लेना। देखो मैच द कॉलम है, ऑर्डर ऑफ द 2x2 तो 3a, अब 3 के 2 का पावर है तो 9 बाहर आ जाएगा, मतलब फर्स्ट का कितना आ गया, थर्ड आ गया। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी हो नहीं सकता है, फर्स्ट का थर्ड। सेकंड वाले a इंटू एडजॉइंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई होता है, तो इसका सेकंड का फर्स्ट, b का फर्स्ट, तो यही ऑप्शन हो गया। आपको चारों ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, दो में काम बन गया बस। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, देखो बढ़िया क्वेश्चन है अगला वाला, मस्त क्वेश्चन है। इफ़ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड दिस इक्वल टू 0 एंड ए इनवर्स इक्वल टू अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए
प्लस गामा आई देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। बहुत ही सिंपल है, देखो क्या करना है तुमको, 11i को आप लेफ्ट साइड ले जाओ, लेफ्ट साइड लेकर के आपने क्या किया आई, और फिर आपने यहाँ से ए कॉमन ले लिया, या आप चाहो तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर सकते हो, आना वही है। ओके, तो देखिए ए इनवर्स आपके पास 1/i के नीचे ए आ गया, आई अपॉन ए इतना बन गया। ओके, अब इसको स्प्लिट कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो इसको स्प्लिट करोगे तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, -1/11, जिसको इसने क्या नाम दिया है अल्फ़ा। यस, हाँ ये देखो अल्फ़ा बीटा गामा। ए का कोएफिशिएंट कितना बनेगा, देखो 8 है ना, तो माइनस यहाँ पे +8/11, और इसका कोएफिशिएंट कितना बन जाएगा -5/11, तो ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आप लोग खुद से करो बन जाएगा, ज़रूर बनेगा। मैं केवल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ईजी क्वेश्चन यार क्या बताना यार, ये सब तो आप लोग खुद कर लोगे ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यार अब देखो इंटरवल क्लोज है, जब इंटरवल क्लोज होता है ना तो आपको इन कोने पर भी वैल्यू निकालनी पड़ती है, और साथ ही साथ जो है आपको वैल्यू जो होती है इनके बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट मिलता है उस पर भी निकालनी पड़ती है। चलो तो देखते हैं, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले किस पे निकालते हैं, एफडेस एक्स को जीरो करते हैं तो 4 - x = 0, तो x = 4, तो x = 4 पर वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई है। फिर x = -2 पर निकाली कितनी आ गई, -10। ओके, -10, और 9/2 पर वैल्यू निकालेंगे, 9/2 पर, तो यहाँ पर निकाली नहीं गई है 9/2 पर, तो मैं निकाल देता हूँ, देख लो वैसे बहुत कम वैल्यू आएगी, 4 × 9/2, 4 × 9/2, 2 × 4 हो गया 90, जो 18 हो गया, और माइनस का 81/4 और साथ में 2, 81/8। ओके, तो माइनस का 81/8। अब देखो भाई साहब, यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी 81/8, आपसे पूछा जा रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू 2 × 9/2, ठीक ना। यस, 4 पर कितनी आ रही, 4 पर तो 8 आ रही है, अब 9/2 पर और हमको चेक करना है, तो हम चेक कर रहे हैं 9/2 पर कितनी आएगी, 18 माइनस, देखो ये 81/8 कर दो तो ये जो भाई है ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 10 पॉइंट समथिंग, और अगर 18 में से 10 माइनस होता तो 8 आता, मगर 10 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये 7 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी, 8 बनेगी, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, 8 हुआ, है ना। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, जरूर करो इसको भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले भी सैम्पल पेपर में कराया था, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y e की पावर x अपॉन y + y2। देखो सबसे पहली चीज़ तो x अपॉन y को देख करके पता चल जाता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजीनियस बनेगा, है ना, x अपॉन y, ये लो मैंने इसको ऐसा बना लिया। अब मैंने क्या किया, x अपॉन y का डिवाइड कर दिया, तो पहला बन गया x बाई वाई, और y अपॉन e की पावर x बाई वाई। अब x बाई वाई को v ले लो, तो x = कितना, v y, तो dx/dy = ये तो होता ही है, v + y dv/dx, ये वैल्यू आपने पुट कर दी, है ना, कैसे वैल्यू पुट करोगे, देखो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करी आपने, dx/dy की जगह v + y dv/dy = देखो क्या बनेगा, x अपॉन y की जगह क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, एक्चुअली इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, ओके, और x अपॉन और y अपॉन e की पावर v, बिल्कुल सही है, तो v से v कैंसिल कर दिया, y अपॉन e की पावर भी। अब एक काम करो, आप इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लो, तो आपके पास क्या बच गया था, y अपॉन e की पावर भी, तो यहाँ से आप देखो y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सो e की पावर v dv इज इक्वल टू dy प्लस c, e की पावर v इक्वल टू y प्लस c, e की पावर x अपॉन y इक्वल टू y प्लस c। ये थोड़ा सा ऐसा लिखा हुआ ना रेंडमली, तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसको कॉपी में करिए, आपने अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखा है तो आपको बड़े आराम से बन जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यार फिर से वही चक्कर है, इसको सीधे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, तो x³ = 125/8, और 125/8 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2। अब क्योंकि सारे ऑप्शन में एक ही तो आंसर होगा, तो कोई टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको सीधे आप जो है सॉल्व कर दीजिए, 5/2 पर वैल्यू निकाल लो, x = 5/2 पर मैक्सिमम वैल्यू, 4 की जगह 5/2, और 4 × 5/2 का स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करके आंसर कितनी आ गई, 75 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके,
टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्स की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई देन डी बाई डी एक्स। देखो ऑप्शन देख करके काम चलना पड़ता है, और जो ऐसा क्वेश्चन आपके एन सी आर टी में है, इसको क्या करते हैं दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, और वाई इज इक्वल टू वाई कॉमन लेके वन प्लस लॉग एक्स इक्वल टू एक्स, तो वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स, इसके बाद आप डिफरेंशिएट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जैसा दिया हुआ है। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए एक्स इंटू वन माइनस एक्स की पावर एन, डेफिनेट इक्वेशन का क्वेश्चन प्रॉपर्टी लग जाएगी, एक्स की जगह वन माइनस एक्स है, ओके ये देखिए एक्स की जगह वन माइनस एक्स पुट कर दिया, एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो लिमिट कितनी, जीरो से वन, तो एक बार लिमिट इसमें लगेगी जीरो से लेके वन, और एक बार लिमिट इसमें लगेगी जीरो से लेके वन, ओके तो अपर लिमिट देखिए वन अपॉन एन प्लस वन बन जाएगा, हाँ वन अपॉन एन प्लस वन, और जीरो पे तो जीरो हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एन प्लस टू, तो करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन इंटू वन अपॉन एन प्लस टू। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक गुड क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको, अच्छा सा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल, के भाई ऑर्डर टू है डिग्री वन है, आंसर आ जाएगा थ्री, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर माइनस टू एक्स इंक्रीजिंग, कह रहा है कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो बताओ इंटरवल क्या होगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ई की पावर माइनस टू एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब, ई की पावर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, थ्री माइनस टू एक्स। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अब इंक्रीजिंग होने के लिए ये इसके ऊपर और जिम्मेदारी है ना, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, सो थ्री माइनस टू एक्स क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, सो 2x माइनस थ्री क्या हो जाएगा लेस देन जीरो, सो 2x इज़ लेस देन थ्री एंड x इज़ लेस देन थ्री बाई टू, मतलब इंक्रीजिंग होने के लिए x की वैल्यू जो होगी थ्री बाई टू से लेस होनी चाहिए, सो थ्री बाई टू से लेस का जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू थ्री बाई टू, सो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके डन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ y इज इक्वल टू टू ई की पावर रूट ई की पावर x, यहाँ थोड़ा सा भाई साहब ने थोड़ा सा कचड़ा हो गया यहाँ पे, इसको मैं सही कर देता हूँ, लिख देता हूँ आपके लिए, y इज इक्वल टू टू अंडर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना है, टू बाहर ले लीजिए, अब इसको कंपोजिट फंक्शन मान के, तो वन अपॉन टू रूट ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर रूट एक्स का फिर वन अपॉन टू रूट एक्स है, ये हो गया, बस इसको एडजस्ट कर दो भाई, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्या बोलूँ मैं आप लोग, ठीक है ना, कर दीजिए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या बताया जाए इसमें, यदि किसी को दिक्कत है तो फिर डिटेल क्लास में देखिए, है ना, बाकी आई होप कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया हुआ है आपको, निकालना है कि एक्स लेस देन टू पे, मतलब एक्स लेस देन टू पे मतलब कितने केस कंसिडर होंगे, दो से कम है तो एक तो ये केस कंसिडर होगा, एक तो ये केस, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी टू के प्लस के यानी कि थ्री के बन जाएगी, हाँ बट उसके पहले आपको टोटल प्रोबेबिलिटी वन ले करके आपको के की वैल्यू निकालनी पड़ी जो कि वन बाई सिक्स आ गई है, ओके और वन बाई सिक्स आने के बाद फिर आपका प्रोबेबिलिटी निकाल लो, एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू वन के केसेस ऐड कर दो, सो आंसर कितना आ गया आपका वन बाई टू। ओके डन, सो गाइज ये जो है क्वेश्चन हो गया अपना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये लीजिए क्या कह रहा है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, एंड वन ऑफ द कंस्टेंट इज टू प्लस टू एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 80, ओके चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है ओके मतलब ये है कि मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज तो करना है, वो बात तो है, ठीक है ना, इन उसके बाद आपसे ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, ये मतलब कि चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, मतलब सही कौन सा है, तो देखो पहला वाला जो ऑप्शन है, पहले तो अपन को ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ से अपन लाइन बनाएंगे, तो ग्राफ से एक लाइन बन गई क्या, ये वाली लाइन कैसे बन गई, 0, 80 और दूसरा 40, 0 को, तो ये फार्मूला यूज़ करके अपने लाइन बना ली, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 80, अब रीज़न कौन सा शेडेड है अंदर का, तो अंदर के रीज़न के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे लेस देन, तो पहला रीज़न बन जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 80 जो कि बिल्कुल सही है, दूसरा रीज़न दूसरी लाइन जो बन रही है x प्लस वाई इक्वल टू 50 बट रीज़न होगा x प्लस वाई लेस देन 50 बट इसमें ग्रेटर देन दिया है तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया, तो ए सही है बी गलत है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अब मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल लो, तो जो भाई कॉर्नर पॉइंट आपके जहाँ जहाँ मिले हैं, एक मिला है 0, 0 एक मिला है 0, 50 ठीक है ना, एक मिला आपको कितना 40, 0 तो भैया हमने कॉर्नर पॉइंट पे निकाला, एक पे 0 वैल्यू आई, एक पे 42,000 एक पे कितना सॉरी 42,000 एक पे 4,30,000 तो मैक्स 4,20,000 तो सॉरी ये 4,50,000 है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 4,50,000 तो ये वाला भी पॉइंट क्या हो गया सी भी सही हो गया ठीक है ना, तो पहला सही है ए सही है सी सही है
अब भाई मिनिमम वैल्यू तो जीरो आ रही, तो ये तो गलत हो गया। वन ऑफ द कंस्टेंट्स इज वाइज ग्रेटर देन जीरो, ये भी सही है। तो कौन कौन से यहाँ पे ए सही है, सी सही है, ई सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए सी ई। ओ भाई साहब कहाँ चले गए, तो करेक्ट आंसर है इसका ए सी ई। वापस आ जाते हैं भाई सीट पे, ये देखिए करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए सी ई, बी ऑप्शन इज द विल बी द करेक्ट आंसर, ए सी ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स एक्स वाई इन ए प्लेन एंड आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड बाई आर L1 L2 L1 इज पैरेलल टू L2 व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन रिलेटेड टू द लाइन वाई इक्वल टू 3x+2। कह रहा है कि भाई दोनों पैरेलल हैं, तो लाइन पैरेलल वाई इक्वल टू 3x+2 के कौन सी होगी। भाई पैरेलल में स्लोप चेंज नहीं होता, तो वाई इक्वल टू mx प्लस फलाना ढिमाका, सी कुछ भी ले लो, है ना। तो स्लोप कितना है, 3 है, सो वाई इज इक्वल टू 3x+c। स्लोप सेम रहेगा, बाकी इंटरसेप्ट चेंज हो सकता है। तो आंसर y इक्वल टू 3x+k वेयर k इज कॉन्स्टेंट। भाई साहब ये वाला आंसर सी वाला है, यहाँ पे तो प्लस लगा है ना, गलत है ये आंसर। y इक्वल टू 3x+k करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। बढ़िया क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिलेशन r दिया गया, पूछा गया कि इसमें से कौन सा है, तो भाई रिफ्लेक्सिव तो नहीं है पहली चीज, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो करेक्ट आंसर ये हो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक ना। ईजी क्वेश्चन है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स बी माइनस ए इक्वल टू जीरो देन वॉट इज एक्स। तो यार देखो एक्स बी माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो एक्स बी इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी हो जाएगा। ये सीधी सीधी बात है, आपने बी का पोस्ट इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एक्स इक्वल टू ए बी इनवर्स। और ए बी इनवर्स के लिए फिर आपको बी से एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी, और ये बी इनवर्स आपने निकाल लिया। सो एक्स इक्वल टू ये ए है और ये बी इनवर्स है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ गया 105-2। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट कंसेप्चुअलाइज इजी है, कुछ खतरनाक कुछ नया नहीं लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो भाई सब सिंपल है यार, मल्टीप्लाई करना है, तो 1x3 और फिर 3x1 और फिर उसके बाद कितना 1x1 ओ सॉरी 3x1 1x3 3x3 उसके बाद 3x3 और 3x1 का मल्टीप्लाई है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 1x1 का ऑर्डर जो आएगा वो कितना आएगा 1x1 का, सॉल्व कर लीजिए, है ना, आंसर आ जाएगा बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डिटर्मिनेंट दिया है और एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2π है, यहाँ पे 2π है, तो आपको बताना है। तो देखो इसको डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ, तो कितना आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में लाइन करता है। अब इसमें 1 ऐड कर दोगे तो 1 से लेकर कहाँ लाई करेगा, हाँ 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा, किसके बीच में लाई करेगा, 1 से लेकर 2 के बीच में। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है भाई, तो मैं मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन के ऑप्शन में स्प्रिंट हो गए यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन ने कहा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, क्योंकि अपने पास जो वैल्यू आ रही है डिटर्मिनेंट देगी वो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ रही है। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 0 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा, बट इसमें ऑप्शन नहीं है, है ना, बट अपना आंसर बिल्कुल सही है, ये चला सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो वैल्यू बतानी है। अब देखो यार इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, मतलब दिस आर 0 देन एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू एक्स। अब इसके बाद अगर तीनों इक्वल हैं तो आप यहाँ पे एक्स 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 रख दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल देखने वाला क्वेश्चन है। चलिए बेसिक आइडिया, मैच द कॉलम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ़ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। बिल्कुल सही बात है, नॉन सिंगुलर मतलब कि डिटर्मिनेंट ही 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए का क्या हो गया, 3rd हो गया, और इसी से आंसर आ गया। आगे देखने की जरूरत भी नहीं, देखना चाहो देख लो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बी का कितना हो गया, 1st, बी का 1st। डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक आर 0, ओके, तो ये 4th भी हो गया, 3rd का 4th हो गया। देन इसके बाद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूनिकली एग्जिस्ट करता है, तो भाई साहब 2nd हो गया। चलिए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था मैट्रिक्स का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ यार ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। यार मतलब दिक्कत कौन से क्वेश्चन करते हैं जो नए होते हैं, पुराने पुराने क्वेश्चन कहाँ दिक्कत करते हैं, आज बच्चा बच्चा कर लेता है। इफ़ एफ डैश थ्री इक्वल टू वन लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ थ्री प्लस एच थ्री माइनस एच अपॉन एच, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो एच की वैल्यू जीरो डाल दोगे तो एफ थ्री माइनस एफ थ्री कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक काम करना, आपको जीरो बाई जीरो बन रही तो आप एल हॉस्पिटल लगा दो। तो एल हॉस्पिटल लगाओगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, एफ डैश थ्री प्लस एच और फिर थ्री का जीरो एच का वन और फिर इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश थ्री माइनस एच और थ्री का जीरो माइनस एच का कितना माइनस वन अपॉन वन। अब जो है आपका ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया एफ डैश थ्री प्लस एच प्लस एफ डैश है ना थ्री प्लस एच, दोनों जगह बन गया ये आपका। और फिर आपको करना क्या है, फिर आपको जो है इसमें h की वैल्यू आपको जीरो पुट कर देनी है। तो h की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो f3 ऊपर भी है, f डैश थ्री इधर भी, और f डैश थ्री सॉरी f डैश थ्री बोलना था मुझे, f डैश थ्री की वैल्यू कितनी, वन है। तो वन प्लस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा। ओके यस, तो वन प्लस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। एल हॉस्पिटल का प्लेन एप्लीकेशन है। चलिए आगे करते हैं, ये देखो एक क्वेश्चन कह रहा द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फंक्शन डिक्रीजेस ऑल द रियल वैल्यू ऑफ x, कह रहा p की वैल्यू बताओ, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फंक्शन डिक्रीज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x गिवन बाई। भाई अगर फंक्शन आपका डिक्रीज करे तो सबसे पहले एफ डेस एक्स निकालो, एफ डेस एक्स कितना आ गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस पी, और कह रहे लेस देन जीरो। अगर ये लेस देन जीरो है मतलब p की वैल्यू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से बड़ी होनी चाहिए, है ना। ये टोटल लेस देन जीरो है तो p की वैल्यू, p को इधर आप लेके आइए तो p क्या हो जाएगा, p ग्रेटर देन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और p अगर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स से बड़ा होना चाहिए तो किससे बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू से, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, रूट टू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, p शुड बी ग्रेटर देन रूट टू। अगर p चाहता है कि मैं हमेशा बड़ा रहूँ तो p क्या होना चाहिए, रूट टू से बड़ा होना चाहिए। ओके ओके चलिए देखिए अगला ये क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इफ f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन इन 0 टू 1 ओके एंड सेटिस्फाइंग द एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए माइनस एक्स एंड जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू ए देन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। देखो कैसे करेंगे आप, क्या कंडीशन दी गई है, कंडीशन दी गई है इसमें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स। तो यहाँ से हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। सो जीरो टू ए एफ एक्स जी एक्स हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब एफ ए माइनस एक्स जो दिया हुआ है, क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है एफ ऑफ ए माइनस एक्स। बच्चों कन्फ्यूज मत होना, शायद मैंने इसको इंटीग्रेशन बोल दिया था, ये एफ एक्स इक्वल टू है एफ ऑफ ए माइनस एक्स है। तो हम एफ ऑफ ए माइनस एक्स को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, हम f ऑफ a माइनस एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स से। यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, एफ एक्स रख देते हैं, है ना, ये नीचे रखा हुआ है, इधर देखो आप ये रखा हुआ है f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अब देखो जी एक्स और जी एक्स, ए माइनस एक्स कितना है, a है, तो जी ए माइनस एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, a माइनस जी एक्स, तो यहाँ से आ गया a माइनस जी एक्स, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर दिया आपने i, दो एफ एक्स इंटू ए हो गया, एफ एक्स इंटू ए माइनस एफ एक्स जी एक्स हो गया। अब ये ध्यान से देखो ये क्या था, आई था, तो आई इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, टू आई इक्वल टू जीरो टू ए और ए एफ एक्स डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू ए बाई टू जीरो टू ए एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। तो भाई तो देखिए ये जो है आपका आंसर बन गया ए बाई टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये करेक्ट आपका आंसर है, नोट कर लीजिए, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है आपको, थोड़ा सा प्रॉपर्टी को देके उलझाया गया यहाँ पे, बट आप क्लियरिटी करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एक्स, एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू फोर। यार कुछ बताने का है नहीं, ट्वेल्थ क्लास का क्वेश्चन है, आपने बड़े आराम से कर लेना ये। ओके एक्स इक्वल टू टू से लेके एक्स इक्वल टू फोर, वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एक्स, तो वाई इक्वल टू थ्री रूट एक्स हो गया। अब थ्री रूट एक्स को आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो आंसर ही आपके पास में आ रहा है। चलिए एट ब्रैकेट में फोर माइनस रूट टू। अगला क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स टेन वाई बाई एक्स डी बाई डी एक्स वाई टेन वाई बाई एक्स माइनस एक्स। तो देखो ये आप सबसे पहले x का इसमें आप डिवाइड कर दो पूरे में, तो x का आपने डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, ये देखो ये बन गया ये 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 ओके। अब इसके बाद y बाई एक्स को क्या ले लो, v ले लो, और तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा vx, और डी बाई डी एक्स इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो बस वैल्यू पुट करते जाओ, टेन वी ब्रैकेट में इतना माइनस वी टेन वी माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसको खोल खाल डालो और फिर फाइनली आप जो है
इसको करने के बाद आपने जो क्या करना है, आपको बनाना है, ये बनेगा आपके पास में, ये बन गया एक्स टेन वी। तो एक्स टेन वी, टेन वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। टेन वी का कितना इंटीग्रेशन होता है, माइनस लॉग सेक, लॉग सेक एक्स होता है, लॉग सेक वी हो जाएगा इसका, और लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो लॉग कॉस वी लिख सकता हूँ इसको मैं, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस वी इक्वल टू लॉग सी हो गया, लॉग सी को किनारे ले जाए, एक्स कॉस वी हो गया, लॉग से लॉग कैंसिल होकर के एक्स कॉस वी इक्वल टू सी। तो एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी। देखो क्वेश्चन के आंसर को हमको कॉस में लाना था, ये हमको ये देख के पता चल गया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन तो सेक में चल रहा था बट कॉस में लेके आना था, ये हमें ऑप्शन देख करके पता चल गया है ना। ये थोड़ा सा आपको अवेयरनेस वहाँ पे रखनी पड़ेगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको जो आंसर बनाना पड़ता है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका, इसका आंसर नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, लॉग ए एक्स इज कंटिन्यूअस इन। तो भाई साहब इसकी डोमेन बतानी है आपको, लॉग ए बेस एक्स कंटिन्यूअस क्या है। तो लॉग ए बेस एक्स कंटिन्यूअस होता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है ना। तो क्या चलेगा इसका आंसर, जीरो टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट का थर्ड ये नहीं है, ये नहीं है, फर्स्ट का थर्ड इसमें इसमें। अंडर रूट एक्स एस कंटिन्यूअस इन, भाई साहब जीरो से लेके इन्फिनिटी बट क्लोज इंटरवल लगेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर आ चुका है हमारा। और बाकी वन अपॉन एक्स एस कंटिन्यूअस आप जानते हो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस जीरो, डोमेन रेंज का क्वेश्चन है ये। ए की पावर एक्स कहाँ डिफाइन है, हर जगह डिफाइन है ना। तो डी का फोर्थ, सारी चीज़ें हैं इजी एकदम बता दी मैंने, आप लोग देख लो। अब कह रहा अच्छा यार ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ही बढ़िया तगड़े मिले, बाकी तो सब है ना एकदम आराम वाले क्वेश्चन है, लल्लू टाइप बोलते हैं अपने यहाँ। फॉर एनी वेक्टर ए, द वेक्टर ए क्रॉस आई स्क्वायर, ए क्रॉस जे स्क्वायर, ए क्रॉस के स्क्वायर इज इक्वल टू। मान लो कोई वेक्टर ए है और ये जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा, तो आप ए क्रॉस आई क्या बनेगा, मॉड ए स्क्वायर और साथ हो स्क्वायर लगा हुआ है, तो ए स्क्वायर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ए स्क्वायर जे स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा। आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो, मॉड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, यहाँ से इसको आप ऐसे कर सकते हो है ना, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और फिर प्रॉपर्टी लगा दी थ्री माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती, वन होती, तो थ्री माइनस वन कितना बनेगा टू। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, है ना। बढ़िया जी, ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई साहब, पूरी वैक्टर इसमें खंगाल मारी है ना। ए माइनस बी निकालना है, परपेंडिकुलर यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, प्रोजेक्शन ऑफ पी एंड क्यू एंड ए माइनस बी का मॉड। तो यार ये तो आप सीधे कर ही सकते हो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये होता है, ये फॉर्मूला लगा लो, इससे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आ जाए। फिर रही बात पी का क्यू पर प्रोजेक्शन, तो फॉर्मूला इसका भी होता है पी डॉट क्यू अपॉन क्यू। तो कुल मिला के सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, केवल टाइमिंग की परीक्षाएँ हो रही हैं यहाँ पर। ये देखिए अगला है, द लाइन दिस एंड दिस आर, भैया यहाँ पर टोटल कितनी लाइन है, तो इसको एडजस्ट कर लो पहले, 2x माइनस वाई प्लस 4z, प्लेन है भाई, लाइन बोल गया गलती से माफ़ कीजिएगा, तो प्लेन है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो पहले वाले का कितना निकला है, 2 माइनस 1 4, तो पहले वाले का 2 है फिर माइनस 1 है फिर क्या है 4 है, और दूसरे वाले का क्या है भाई साहब 5 है, और इसका कितना है माइनस का 2.5 है, और इसका कितना है 4 का 10 है। तो यदि काटा जाए तो 2 5, ठीक है ना। ये देखो इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और अगर 2 से मैं काट दूं तो ये 1 बन जाएगा, ये ढाई बन जाएगा, और 2 4 से यदि काट देता हूं तो ये भी बन जाएगा, ये ढाई बन जाएगा, मतलब क्या है पैरेलल है, क्या है ये पैरेलल, ये प्लेन क्या है पैरेलल है आपके, बिकॉज ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन ए टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू की फॉर्मेट यहाँ पे लग रही है, इसलिए पैरेलल हो गया। साइन ऑफ 2 कॉट इनवर्स माइनस 4 बाई 3, तो सबसे पहले भाई साहब कॉट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, फॉर्मूला लिख लो, कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला हुआ करता है, उसका यूज़ करके 2 है ना, 2 कॉट पाई माइनस कॉट इनवर्स 4 बाई 3, फिर यहाँ पे क्या 2 को अंदर कर दो, 2 पाई माइनस 2 कॉट इनवर्स 4 बाई 3, तो ये 2 कॉट है, ओके 2 कॉट इनवर्स 4 बाई 3। अब आप जानते हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इस कॉट को कैसे बदल लो साइन में, तो साइन क्या बन जाएगा, साइन क्या बन जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन हाइपोटेनस कितना बन जाएगा, ट्रायंगल देख लो 5 बन जाएगा, और इसमें क्या चाहिए अपन को कॉस चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना बनेगा 4 और हाइपोटेनस बनेगा 5, सो 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस का 2, आंसर कितना आ गया माइनस 24 बाई 25। ईजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर सेकंड वर्स 3,
द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर। तो यार सबसे पहले इसको सेकेंड वर्स 3 है तो 3/1 है, तो ट्रायंगल बना करके क्या निकालो, उसका भी 10 निकाल लो। तो 10 कितना बन जाएगा इसका, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर √8/1, तो √8/1 का स्क्वायर 8 हो गया। और यहाँ पे देख लो कितना 5 है, तो 5 यहाँ पे आ गया, हाइपोटेनस बनेगा ये 5, क्योंकि कॉसेक की टर्म है, तो कॉसेक में ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 5, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, तो ये हो गया कितना √24। अब अपन को क्या चाहिए, इसको कॉट में कन्वर्ट करना, तो कॉट इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर √24/1, तो √24 का होल स्क्वायर 8+24 कितना हो गया 32। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, बच्चे बहुत सारे इस क्वेश्चन में परेशान होंगे होंगे, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई है इसलिए। अगला, अब भाई अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है। तो भाई साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, इसको 1 1 1 कॉमन ले लो, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का होल स्क्वायर, तो 3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में एक बाहर और एक माइनस 1 है, तो कितना हो जाएगा 2/3। करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा 2/3। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 3D का मस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो सीधा फार्मूला लगा दो भाई साहब, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी का, ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी, ये साइन थीटा का फार्मूला हुआ करता है, तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। ओके, तो ए क्रॉस बी 7/2 × 7, सो आंसर 1/2, और 1/2 आ गया, मतलब कितना 5/6 एंगल हो गया है। ठीक है, डन। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो वैल्यू 2 3 b, भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब बॉक्स ए बी सी 4 दिया है, तो 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो 2 3 4 को बाहर ले लो, तो कितना हो गया 2 3 6 4 24, बॉक्स ए बी सी, और बॉक्स ए बी सी की वैल्यू 4 है, 24 4 96। वेरी सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, देन द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी विद द मैग्नीट्यूड 6 यूनिट। यार ये मतलब कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको ए दिया है और बी दिया है, तो आप क्या निकाल लो, ए माइनस बी निकाल लिया, और फिर इसका 6 यूनिट का यूनिट वेक्टर निकाल लो, इसका कुछ नाम दे दो आप, इसका नाम दे दो सी वेक्टर दे दो, तो सी वेक्टर इक्वल टू ए माइनस बी है। अब ए माइनस बी की डायरेक्शन में 6 यूनिट का मतलब क्या बन जाएगा, 6 c कैप निकालना आपको कुल मिला के, तो सी कैप निकाल लो इसका, और उसका 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप होमवर्क करके लाएंगे, ओके, इजी क्वेश्चन है। अगला भी क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए होमवर्क है, ओके, ये आपको एज अ होमवर्क करना है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये देखिए, ये भी आपको होमवर्क करके लेके आना है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भी होमवर्क करके लाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करना है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी आपको एज अ होमवर्क करना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल द कंस्टेंट्स, तो आपको बताना है कि कौन सी सभी कंस्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करना है। देन इसके बाद इसी से रिलेटेड आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ऊपर जो क्वेश्चन आपका गया है। हाउ मेनी केक्स ईच काइंड शुड बी मेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया है आपका, एनसीईआरटी जो पुरानी वाली थी उसका क्वेश्चन है। एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे, द प्रोबेबिलिटी एक्स कैन टेक द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग फॉर्म वेयर के इज द सम अननोन कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप इसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो, एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4, ओके, 3 3 4, और 5 अदरवाइज में चला जाएगा, है ना, 5 हो 6 हो, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 0, मतलब ये कॉलम रखने का कोई खास मतलब तो नहीं है, फिर भी रख दो रखना हो तो। चलिए अब क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आंसर, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बतानी होंगी, ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ के इज, भाई साहब के की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी को 1 कर दो, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है आप उसकी 1 कर देंगे, तो के की वैल्यू आ जाएगी। देन इसके बाद क्या कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट टू आवर्स मतलब कम से कम 2 घंटे, है ना, तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो क्या चलेगा, एक्स इक्वल टू 2 आवर्स के केसेस, 3 आवर्स के, 4 आवर्स के, 5 आवर्स के केसेस। अब इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, ओके, इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को आपको ऐड कर देना, आपका आंसर बन जाएगा। ओके, स्टडी एटमोस्ट 2 आवर, ये बता दिया, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट एटमोस्ट 4 आवर, तो एटमोस्ट 4 आवर मतलब 4 आवर से कम के सारे केसेस आपको ऐड कर देना है, ये आपका एटमोस्ट 4 आवर का बन जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर एक्सेस बिटवीन 0 to 1 एक्स टेन इनवर्स आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा सब्सटीट्यूट कर लो या एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा सब्सटीट्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये देखिए भाई साहब, इसमें आपसे बोला गया है कि इफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट इन 3 throws पेयर इन अ डाइस, ये दिया गया आपको, तो आपको बताना है कि करेक्ट वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, बी दिया है, ये दिया है, सी दिया है। ओके ओके, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट इन 3 throws ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, तो यहाँ पर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा करके आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाइए, आप बड़े आराम से इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए, तो ये आपका शीट यहाँ पर फिनिश होती है। ये आपका सैम्पल पेपर जो है, आपका कौन सा वाला पार्ट था, सैम्पल पेपर थर्ड, फर्स्ट सैम्पल पेपर यहाँ पर फिनिश होता है। आपको कैसा लगा लेक्चर बताओ, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो, किसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो भी लिखो, हर चीज़ बताई जाएगी। एक्चुअली CUET का पेपर काफ़ी ईजी होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने बहुत स्पीड में कराया है। मोटिव अपना ये है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख पाएँ, है ना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडी जोन।